हमारे सभी वरिष्ठ नेता आए थे, आप साक्षी थे उस कार्यक्रम के, अभिषेक ने कहा, और मेरी बड़ी बिटिया जो हॉस्टल में अमेरिका में डॉक्टर है, उसने भी कहा कि पिताजी आपकी जैसी इच्छा हो, आप यदि इच्छा करते हैं तो हम साथ तैयार हैं, और गरीबों की बेटियों के साथ में मेरे बेटे और बेटी दोनों ने शादियां की, कन्यादान लिया। इसके बाद में किसी फाइव स्टार होटल में हम लोगों ने रिसेप्शन नहीं किया। धर्म पुत्र है, मैं आपका धर्म पिता हूँ, मैं आज इस बात की गारंटी देता हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, कभी जीवन में जिंदगी में जब तक मैं जीऊंगा, कभी कोई काम आए मैं गोपाल भार्गव, तुम्हारे किसी काम आ जाए गोपाल भार्गव का खून, उसकी चमड़ी भी आपके काम आ जाए, तो आपके लिए दान हमेशा के लिए धर्म पिता होगा। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन वो भी एक ही छत के नीचे अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। 2001 से जो मैंने यात्रा शुरू की थी, मेरे साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने भी उसी समय और उसके पहले यह कन्यादान कार्यक्रम अपने क्षेत्र में शुरू किए थे। हम सही सभी लोग, दोनों लोग खासतौर से इस मामले में सहोदर, वास्तव में आज भी हिंदुस्तान में गरीबी है, मुफलिसी है, बदहाली है, लाचारी है, बेबसी है, और अनेकों लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए घर गिरवी रख देते हैं, गहना गिरवी रख देते या बेच देते हैं, बंधक हो जाते, कर्जदार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की सहायता के लिए, मदद के लिए कर्जदार ना हो, वो जेवर न बिके उनके, बंधक न बने वो, गिरवी ना उनकी जमीन रखी जाए, जमीन बिके नहीं, ऐसे मुफलिस बदहाल लोगों के लिए वास्तव में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक देवलोक से बड़ी योजना है, मैं तो उसके लिए कहूँगा इससे कम नहीं। ये वास्तव में एक व्यक्ति जिसके यहाँ 3-4 बेटियां पैदा हो जाती, हमारे मुख्यमंत्री जी बताएंगे लक्ष्मी लाल जी के संबंध में और भी समय, मैं तो इतना ही अल्प समय में कहूँगा कि जिसके यहाँ बेटियां हो जाती हैं 3-4, वो जवानी में भी बूढ़े जैसा दिखने लगता है। यही बात ध्यान में रखते हुए मैंने शुरुआत में शरारी से कड़ता से संक्षिप्त रूप में कार्यक्रम शुरू किया था। धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ता गया, विस्तारित हो गया, आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि मैं आयोजन करता और इसमें यदि वर वधु नहीं आते या बराती घराती नहीं आते तो कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन आप लोगों ने प्रतिभा से, जिस उत्साह से, जिस उमंग से, पहले भी मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में आए, उन्होंने भी काफ़ी जगह कई जगह इस बात की प्रशंसा की है, मैं कृतज्ञ हूँ उनके लिए कि उन्होंने एक मेरे छोटे से प्रयास के लिए सराहा। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि राज्य का मुखिया इस बात के लिए सराहा, क्योंकि हम सभी लोगों ने दीनदयाल जी का जो अंत्योदय कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को हम सभी लोगों ने आत्मसात किया है, और ये भी तय किया है कि प्रदेश में एक भी व्यक्ति, एक भी कन्या, एक भी बिटिया ऐसी नहीं रहना चाहिए जिसके पैसे के अभाव में या पैसे की कमी के कारण जिसके हाथ पीले ना हो पाए। हम सभी लोग मंच पर बैठे लोग इस बात की सौगंध लेते हैं, जब तक जिएंगे उन बेटियों के लिए जिएंगे, मरना भी पड़ा तो जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं हम मरेंगे फिर उनके लिए। और सिर्फ ये कन्यादान इतना ही नहीं है कि हमने उपहार दे दिया चल गए घर, पहले भी मैंने हमेशा कहा, आज भी कह रहा हूँ, आपके और आपके परिवार की, आप मेरी धर्म पुत्री हैं, धर्म पुत्र हैं, मैं आपका धर्म पिता हूँ, मैं आज इस बात की गारंटी देता हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, कभी जीवन में जिंदगी में जब तक मैं जीऊँगा, कभी कोई काम आए मैं गोपाल भार्गव, तुम्हारे किसी काम आ जाए गोपाल भार्गव का खून, उसकी चमड़ी भी आपके काम आ जाए, तो आपके लिए दान हमेशा के लिए धर्म पिता होगा। ऐसे नहीं होते संबंध, ऐसे नहीं होते रिश्ते, सिर्फ हम सरकारी तरीके से करते हैं तो उसका वो आनंद नहीं आता, और इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि ठीक है नमक तेल घी सब कुछ रखा है, इसमें यदि हम थोड़ा सा हम मसाला डाल दें, छौंका कर दें, तो इसका आनंद ही कुछ होता है, जिसका दृश्य आप सभी लोग देख रहे हैं। अब मित्रों, इसी कारण से एक धर्म पिता होने के कारण कई लोगों ने कहा गरीबों की शादी करवाते हैं, कभी हो दम हो तो अपने बेटे की बेटी की शादी करवाना, मैंने कहा बड़ा हो जाएगा तो वो भी देखने मिलेगा,
आज मुझे कहते हुए खुशी है, दीपू से अभिषेक से जब मैंने कहा कि हम इस साल कन्यादान कार्यक्रम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आए थे उस कार्यक्रम, हमारे सभी वरिष्ठ नेता आए थे, आप साक्षी थे उस कार्यक्रम के, अभिषेक ने कहा और मेरी बड़ी बिटिया जो हॉस्टल में हमें इनका डॉक्टर है उसने भी कहा कि पिताजी आपकी जैसी इच्छा हो, आप यदि इच्छा करते हैं तो हम साथ तैयार हैं और गरीबों की बेटियों के साथ में मेरे बेटे और बेटी दोनों ने शादियां की, कन्यादान लिया। इसके बाद में किसी फाइव स्टार होटल में हम लोगों ने रिसेप्शन नहीं किया, नहीं तो सामान्यतः यहाँ शादियां करके लोग रिसेप्शन करते, रिसेप्शन नहीं किया। लोग बहुत से कहते रहे अरे क्या है, लेकिन बच्चे और बच्ची के दिमाग में था कि पिताजी की यदि सुखी आनंद इसी में है तो पिताजी के आनंद को रखना चाहिए। मैं इतना ही मित्रों कहना चाहता हूँ, ये सामाजिक समरसता का विषय है। आज की तारीख में लगभग 500 जोड़े कुशवाहा समाज के भाई साहब, 400 जोड़े इसमें अहिरवार समाज के, हमारे अनेकों समाज ऐसे हैं, लगभग कोई समाज ऐसा बाकी नहीं है। ब्राह्मण समाज के ही 50 जोड़े हैं, कुर्मी समाज के 150 जोड़े हैं, लोधी समाज के 100 से 150 जोड़े हैं। सभी समाजों के, चाहे वो अपने जो वर्ण व्यवस्था बताया जाता है या जाति की बात करते लोग, ब्राह्मण हो, जैन हो, ठाकुर हो, कुर्मी, काची, लोधी, कोई भी समाज के हो, अहिरवार समाज के हो, सभी लोगों का ये समरसता के मामले में भारत को एक रखना है, भारत को अखंड रखना है और भारत को प्रगतिशील बनाना है तो जाति के बंधन टूटना चाहिए। और बंधनों के टूटने के लिए सबसे बड़ा आयोजन यदि कोई है, सबसे बड़ा मार्ग यदि कोई है तो वह है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बाकी बातों में तो दुनिया भी होती है, मैंने कहना चाहता, लेकिन वास्तव में यहाँ बेटियां बनी हैं 200, हर राउंड में 200 जोड़े ले रहे हैं। बाजू में पंडित का बेटा बैठा रहता है, बाजू में कुशवाहा समाज का, बाद सामने अहिरवार समाज का, सामने धानक समाज का, किसी में दम होना चाहिए। बहुत लोग कहते भैया हम तो घर से शादी करना चाहते कहाँ पर, अरे मैं कहना चाहता हूँ 2 लाख से ज़्यादा लोग आज यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ 2 लाख लोग शादियों में नहीं जाते होंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के टाटा बिरला के यहाँ नहीं जाते होंगे, लेकिन आज आपके गरीबों की शादी में 2 लाख लोग चक्षुदर्शी बने हैं, गवाह बने हैं, ये ईश्वर की कृपा है। चाहता हूँ यह निरंतर आगे बढ़ता रहे, यह वास्तव में लोक कल्याण की योजना है, किसी के व्यक्तिगत हित की योजना नहीं है, लोक कल्याण की योजना है, सामाजिक समरसता की योजना है, भारत को एक रखने की योजना है और हमारे सनातन समाज को एक रखने की योजना है, बल्कि हिंदू समाज के लिए। यहाँ पर करीब 50 की संख्या मुस्लिम जोड़े भी बैठे हुए हैं, मैं सबके लिए कहता हूँ अल्लाह है आपका नियामत रखे, आपको आशीर्वाद दे, अल्लाह है आपके ऊपर मेहरबानी रखे, यही मेरी प्रार्थना है, और ईश्वर आपके ऊपर मेहरबानी रखे, यही मेरी प्रार्थना है। फिर पुनः मुख्यमंत्री जी का, हमारे बीडी भाई साहब जो प्रदेश अध्यक्ष जी है उनका, विश्वास जी का, हमारे सभी साथी मंच में विराजमान है उनका, और जो आगे चले गए हमारे सभी लोग, भूपेंद्र भाई भी आए, पड़ोसी हमारे प्रभु भाई भी आए, हमारे चिकित्सा मंत्री और भी सभी हमारे जो भी गणमान्य नागरिक सागर, दमोह, जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, नरसिंहपुर से यहाँ पर पधारे अभी पूर्व के समय में, सभी के लिए मैं अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार आपका स्नेह आशीर्वाद बना रहे, यह आशीर्वाद मेरे लिए नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आज मेरा सम्मान किया, उत्साह वर्णन किया, मैं प्रयास ये करूँगा कि अब तक मैं अपने क्षेत्र का करता रहा हूँ, इस बार मैंने संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए आमंत्रित किया था कि आज भी आइए। अब मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक होगा तो मैं उसकी कन्यादान की, उसकी बिटिया की शादी की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी के और हमारे बीडी भाई साहब के संरक्षण में लेता हूँ, इस बात का ही वजन आप देता हूँ। थोड़ी सी काम की बात हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे शाहपुर की बिटिया कह रहे हैं कि भैया एक डिग्री कॉलेज खुलवा दो, मुख्यमंत्री से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, प्रणाम नमस्कार। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड भागुदय अस्पताल के पास सागर।